हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। अमातुल्ला रीडा हाउस में आपका स्वागत है। आज जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो एक घाघरा ब्लाउज, उसकी कटिंग है और उसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, मेरे पास कपड़ा है 3.5 मीटर जितना कपड़ा है। ये देखिए, ये 3.5 मीटर ही कपड़ा रहता है। जब हम बाज़ार जाते हैं लेने के लिए तो ये 3.5 मीटर कपड़ा मिलता है। और ये बॉटम है तो हमें बॉटम को हम निकाल देंगे, क्योंकि बॉटम को हमें काटना होगा, क्योंकि हमें बॉटम ऊपर से लगानी पड़ेगी। बॉर्डर काट लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बॉर्डर काट लिए, मैंने देखिए पूरी बॉर्डर निकाल ली मैंने, और इसे मैंने 4 घड़ी में सामने सामने रख दिया है। देखिए, ये पूरा मुझे घेर चाहिए, इसीलिए मैंने पूरा लिया है। आपको 36 चाहिए तो आप यहाँ पर 36 लेके मार्किंग कर सकते हो, यहाँ पर एक मार्किंग करके उसे कट कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप बाद में भी कर सकते हो, अभी नहीं करना है तो पहले आप कट कर दें घाघरे की लंबाई कितनी है। पहले 4 हिस्सों को यहाँ पे ऐसे बराबर से रखना है। 4 कपड़े होने चाहिए, फोल्ड हमारे पास होना चाहिए। इसकी जो लंबाई है मेरे पास वो 39.5 है, 39.5 लंबाई है, तो मुझे यहाँ पे 39.5 ही चाहिए, क्योंकि नीचे हमें यहाँ पर फोल्ड करना है, ठीक है। कपड़ा यहाँ पर नीचे बराबर होना चाहिए, लेवल होना चाहिए यहाँ पर, और उसके बाद ही ऊपर जाके 39.5 लेके मार्किंग करें। अभी हम यहाँ पर 39.5 लेके और मार्किंग कर देंगे। सभी जगह पर हमें 39.5 लेके मार्क करना है। मार्क करके अब उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए, मैंने कट कर दिया है। अभी चाहिए तो आपको यहाँ पर से यहाँ पे माप 36 का घेर चाहिए आपको, तो यहाँ से आप कॉर्नर से निकाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 36 नाप लें पहले। यहाँ पर जो कपड़ा बचता है यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ से आप पूरा काट ले या नेफे में यूज़ कर ले, ठीक है। पर मुझे यहाँ पर ये पूरा ही कपड़ा घेर चाहिए, तो इसलिए मैं ये ऐसे ही रखूँगी, ठीक है। ये जो बताना चाहूँगी, ये जो घाघरे की लेंथ है उसमें हम माइनस कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 इंच का फोल्ड चाहिए नीचे, इसीलिए हमें जितनी लेंथ है उतना ही लेना है। समझो कि पैनल यहाँ पर नीचे लेंथ 38 है तो 38 कट कर दे, 37 है तो 37 लेके कट कर दे, ठीक है। और अगर पैनल है नीचे तो -1 करना, पैनल नहीं है तो -1 नहीं करना। यहाँ ऊपर नेफे में 1 इंच आ जाएगा ऊपर, और हमारा दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। नेफा निकालना है। अभी निकालने के पहले हम ब्लाउज निकालेंगे, क्योंकि हमें ब्लाउज भी निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ब्लाउज निकालेंगे, और अगर ऐसा है आपको कि नहीं हमें नेफा ही निकालना है, तो आप एक हिस्सा लेके यहाँ से उसे ऐसा फोल्ड करके यहाँ से आप नेफा ऐसा 4 इंच का निकाल सकते हैं एक ही कपड़ों में, ठीक है। ये ऐसा एक देखिए, ये पूरा खुला है कपड़ा, ये ऐसा मैंने ये पूरा खुला है, तो हमें ये एक ही कपड़ा लेके ऐसा उसे फोल्ड करना है। ये सब फोल्ड करके यहाँ से हमें ऐसा नेफा निकाल देना है। और अभी हमें नेफा नहीं निकालना है, हमें अभी ब्लाउज बाकी है, तो हम पहले ब्लाउज करेंगे और उसके बाद जो बचता है ना कपड़ा, उसमें से हम एडजस्ट करके नेफा भी निकाल देंगे, ठीक है। अभी ये ब्लाउज के लिए मैंने 4 घड़ी करके रख दी है। आपको ये फोल्ड कितना लेना है वो देखिए, ये फोल्ड आपको कितना लेना है, जितना आपका चेस्ट है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए, अगर आपकी 38 चेस्ट है, सपोज़ समझो कि 38 चेस्ट है, इसकी भी 38 है, ये 38 है, उसका हमें आधा करना है। ये देखिए, मैंने आधा कर दिया। पहले पीछे भी मैंने वीडियो बनाया था कैसे हम आधा करते हैं। ये चौथा हिस्सा का दूसरा हिस्सा हुआ, यहाँ पर दूसरा हिस्सा का और एक हम आधा करेंगे। और जो ये आधा आया है, 9.5 आया है, तो वही 9.5 हम 38 का 9.5 आता है, ठीक है, चौथा हिस्सा, तो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे, तो 10.5 और 11.5। अभी 11.5 तक हमें यहाँ पर कपड़ा रखना है, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे,
हम कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हमें जितना चाहिए उतना ही रखेंगे, हम उतना ही फोल्ड हमें करना है। चार घड़ी में फोल्ड चाहिए हमें, यहाँ पर चार कपड़ा है यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर 11.5-12 जितना कपड़ा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे से सब स्ट्रेट करना है कपड़ा। और यहाँ की लंबाई अपनी ब्लाउज़ की 19 लंबाई है, तो हमें 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का। पहले हम यहाँ पर स्ट्रेट कर देंगे, कपड़ा ऊपर नीचे है तो हम उसे स्ट्रेट कर देंगे। पहले चारों चार कपड़ा स्ट्रेट होना है, और उसके बाद हमें 19.5 चाहिए लेंथ, तो उसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, तो उसमें 1.5 इंच आएगा तो 21 हो जाएगा। 21 पे हम मार्किंग कर देंगे, एक लाइन कर देना है 21 पर। यहाँ पर ही अभी हमारा ब्लाउज़ बन जाएगा ये इतने हिस्से में। अभी हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर यहाँ पर उसका 14.5 है, 14.5 का हमें आधा करना है। ये देखिए मैंने वेजेटेप को आधा कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पे देखेंगे हम कितना होता है, 7.2 मतलब 7.25। यहाँ 7.25 पे एक लाइन करें। मैंने आपको वेजेटेप की वीडियो भी अपलोड की है, 7.25 किसे कहते हैं, 7.5 किसे कहते हैं, 7.25 किसको कहते हैं, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो मेरी देख ले और वेजेटेप को समझ ले अच्छे से। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है बिगिनर के लिए, और प्लीज़ सभी वीडियो देख ले मेरी पीछे की। और ये 7.25 यहाँ पर लेना है, और उसके बाद हमें 1/2 इंच और ऐड करना है मार्जिन के लिए। ये देखिए 1/2 इंच और ऐड करना है, और उसके बाद वहीं से हमें यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ जो मैंने 7.5 लिया था 7.5, वहीं हमें यहाँ पर 8 लेना है, क्योंकि 7.5 और हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 1 इंच ज़्यादा लेना है नीचे की तरफ, ठीक है। और वहीं पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से लेंथ लिए, यहाँ से यहाँ शोल्डर लिया है, शोल्डर का मैंने आधा, और उसमें से 1/2 इंच ऐड कर दिया है, यहाँ पर 1/2 इंच ऐड किया है मैंने और एक, और 1/2 इंच से मार्किंग से नीचे तक जाना है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ हिस्सा 8 इंच है, 8 इंच, ठीक है। यहाँ जितना है यहाँ उससे 1/2 इंच ज़्यादा ले, ठीक है, ज़्यादा चाहिए हमें। यहाँ 7.5 है तो यहाँ 8, यहाँ 8 है तो यहाँ 7.5, यहाँ 9 है तो यहाँ 9.5 लगे। वैसे ही हमें यहाँ पर पूरा एक बॉक्स बनाना है, ये देखिए, ठीक है, मैंने पूरा बॉक्स बना दिया है, ये शोल्डर के नाप के अंदर ही, शोल्डर के नाप से ही यहाँ पर पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। यहाँ से हमें यहाँ पर हमें चेस्ट चाहिए, ठीक है। मैंने चेस्ट के नाप हिसाब से ही यहाँ पर कपड़ा रखा है, तो भी हम यहाँ पर एक बार नाप लेंगे। 38 का चौथा हिस्सा हमें चाहिए 9.5, 9.5 के अंदर हमें यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 11 इंच हो जाएगा। ये देखिए 11 इंच हो गया है, ये 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है। और उसके बाद यहाँ से हम लेंगे कमर की लंबाई, 14.5 की कमर पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से यहाँ हमें कमर की चौड़ाई का नाप लेना है। कमर की फिटिंग है 37 है, तो 37 का चौथा हिस्सा आएगा हमारा 9.5-10 जितना ही होगा हमारा यहाँ पर भी, और उसमें भी हमें 1.5 इंच ऐड करना है। यहाँ से हमें उसे थोड़ा हल्का सा शेप देना है, और यहाँ से हमें ऐसा क्रॉस जाना है बाहर की तरफ। ये इसकी एक स्ट्रेट है ना, छाती से जो चेस्ट की जो लाइन नीचे तक जाती है, वहाँ से हम नीचे तक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपको। अब यहाँ से हम उसे गोलाई देंगे और गला भी बनाएंगे। यहाँ से हमें 1 इंच बाहर की ओर जाना है, ये देखिए 1 इंच बाहर की ओर, ये जो पॉइंट है ये देखिए, ये पॉइंट पॉइंट से हमें 1 इंच बाहर की ओर जाना है, और हमें यहाँ से उसे ऐसे हल्के से शेप देना है, और वही वापस हमें दूसरा भी शेप थोड़ा अंदर से देना है, ये देखिए ऐसे, और वापस यहाँ से उसे ज्वाइन कर देना है। ये हमारा बैक का रहेगा और ये हमारा फ्रंट का रहेगा, ठीक है। अभी हमें गला बनाना है। गला बनाने के लिए हम 2.5 इंच ऊपर की ओर मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर हमें 5 इंच और 6 इंच, 5 इंच बैक के गले के लिए और 6 इंच आगे के गले के लिए, और हम उसे ऐसा स्क्वायर बना देंगे क्योंकि हमें गोल गला चाहिए, तो हम इसे यहाँ पर ऐसा गोल गला बनाएंगे। हमें अभी इसको कट नहीं करना है, तो हम इसे अभी नहीं यूज़ करेंगे, हमें ऊपर वाला ही गला कट करना है, तो अभी हम उसे कट।
करेगी। हमें दोनों गला गोल ही रखना है, इसे हम थोड़ा क्रॉस में कट करेंगे, ये हमें थोड़ा क्रॉस में कट करना है, ठीक है। और हमें बाहर वाला ही कपड़ा कट करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें बाहर वाला ही कपड़ा कट करना है, ठीक है। ये मैंने ब्लाउज का कटिंग कर लिया है, ये देखिए। अभी हमें एक कपड़ा निकालना है इसमें से, ये जो हमने निकाला है ये कपड़ा हमें निकाल लेना है, ये पीछे का है, और अभी इसमें हम वापस इसमें आगे की कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो बगल का शेप है और ये जो हमारा गले का शेप है, हम दोनों को इसमें कट करेंगे। ये देखिए, हमें इससे वापस इधर से ऐसे शेप देना है, और इसको तो मैंने पहले ही शेप दे दिया है, तो हम इसे गला भी कट कर लेंगे। ये गला मैंने कट कर दिया, और यहाँ से हमें उसको बगल का भी शेप कट करना है। ये शेप करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे नित झोल आ जाएगा, ये कपड़ा बसता है इतना, हमारा आगे का हिस्सा आगे की तरफ रहता है और पीछे का हिस्सा चौड़ा रहता है, तो हम पीछे के हिस्से में कटिंग नहीं करेंगे, आगे के हिस्से में ही कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा आगे और ये हमारा पीछे का, दोनों का कटिंग हमारा हो चुका है, ओके। अभी हम आस्तीन कट करेंगे। आस्तीन के लिए वापस हमें कपड़ा लेना है, वापस हम उल्टा ही कपड़ा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद हमें यहाँ पर उसे फोल्ड करना है, ये देखिए मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दिया, ऐसे ऐसे ही कपड़ा फोल्ड करना है। देखिए आस्तीन के लिए क्या करना है, हमें पहले जो हमने बगल गाला कट किया था, ये देखिए बगल गाला, ये बगल गाला हमें नापना है, ठीक है। हम उसे नाप लेते हैं, पहले हम उसे नाप लेते हैं, पहले ये नाप आता है हमारा बराबर, राउंड से लेके यहाँ तक हमें जाना है, सारे दस कुछ आता है, सारे दस आता है हमारा, तो हम दस भी ले सकते हैं और सारे दस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये सारे दस तक की जितना है कपड़ा फोल्ड रखना है, ये हिस्सा, ठीक है, ये फोल्ड, ये साढ़े दस ही हमें रखना है, ठीक है। जो हमने नाप लिया था ना अभी, वही हमें यहाँ पर रखना है, इससे ज़्यादा कपड़ा हमें फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए बराबर से ड्रेस ले लिया है मैंने, ये वाला। यहाँ पर हमें फोल्ड चाहिए, ऊपर के हिस्से में हमें हमेशा फोल्ड चाहिए, ए टू बी, ए टू बी फोल्ड ही रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, जो लंबाई वो लंबाई है ऊपर ए टू बी आएगी, तो लंबाई हमारी साढ़े चार है, तो हम उसमें डेढ़ इंच मार्जिन का लेंगे, तो छः इंच हम ले लेंगे, यहाँ पर हम छः इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पर नीचे की तरफ भी छः इंच जाएंगे हम, और एक बॉक्स बना देना। ये देखिए हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया यहाँ पर, और सारे दस का, और यहाँ से हम अंदर की ओर तीन इंच अंदर जाएंगे, ठीक है, तीन इंच अंदर की ओर जाएगी नीचे के हिस्से से, यहाँ से हमें तीन इंच नीचे की ओर जाएंगे ऊपर की तरफ से, और ये तीन इंच को यहाँ पर तीन इंच को मिलाना है, ये अच्छे से जोड़ देना है इसे, यहाँ से यहाँ की तरफ बगल का जो गाला, आस्तीन का जो गाला है, सॉरी आस्तीन का गाला वो रहेगा, वो साढ़े बारह है, साढ़े बारह का हम आधा करेंगे तो सवा छः आएगा, उसमें हम एक इंच ऐड करेंगे तो सवा सात हो जाएगा, तो सवा सात पे हम मार्किंग करेंगे, सवा सात साढ़े सात पे, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए अच्छे से आप आस्तीन मैंने बनाई है, अभी हम इसे कट कर देंगे, ये देखिए आस्तीन मैंने कटिंग कर लिए। अभी ये उस पर का दो हिस्सा सिर्फ निकाल के हमें उसे यहाँ पर ऐसे हल्के से कट करना है, ऐसे कट करना है, ये देखिए। चाहिए तो मैं आपको आस्तीन की भी एक वीडियो अपलोड कर दूँगी, आस्तीन कैसे बनाते,
एक बार अच्छे से वो बता दूँगी तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आस्तीन बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा घाघरा हो गया, ये पट्टी जो बनाए गए थे वो पट्टी हो गई है, ये आस्तीन हो गई। हम यहाँ पर इसको पट्टी यहाँ पर भी जोड़ेंगे, इसको आस्तीन में भी। और ये ब्लाउज़ है हमारा, सब कटिंग हो गया है हमारा। अब हम गला पट्टी बनाएंगे इसकी। ठीक है, गला पट्टी बनाना है गले की हमें। वापस उसके लिए हमें ये कपड़ा चाहिए। हमें गला पट्टी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा भी गला है हम उसे उसका सेप दे सकते हैं गला पट्टी से। अभी इसे हमें हल्का सा थोड़ा सा फोल्ड करना है। उसके बाद हमें जो गला बनाना है, जो हमने गला कट किया है, उसे हमें यहाँ पर फोल्ड पे रखना है, फोल्ड टू फोल्ड पे रखना है। ठीक है, ये देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये देखिए, ये उतना ही कपड़ा हमें फोल्ड करना है जितना हमें ये गला आ जाए, और गले के बाद 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा बचे। ये हम यहाँ पर उसे मार्क कर देंगे गले पे, जैसा गला है ना वैसे ही हमें मार्क करना है। अगर गोल है तो गोल करना है, चौरस है तो चौरस करना है। ये देखिए मैंने ऐसे ही वैसे मार्क किया है। और ये जो ब्लाउज़ है उसे हम हटा देंगे, और उसके बाद ये जो नीचे का कपड़ा है वहाँ से हम 1.5 इंच मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच सभी चीज़ गले के निशान के बाहर से 1.5 इंच सभी जगह पर हमें मार्क करना है, और उसे हमें मिक्स कर देना है। यहाँ पर हमारी ये पट्टी बराबर से बन गई। अगर आप डिज़ाइन वाला गला बनाते हैं तो कैसे भी बनाते हैं, तो फर्स्ट जो गला गोल है, फर्स्ट ये जो मैं काट रही हूँ वो यहाँ पर डिज़ाइन जैसी रहेगी आपकी गले की, वैसे ही गला यहाँ पर बनाना है। उसके बाद नीचे इसका शेप राउंड बना देना है। ठीक है, ये देखिए मेरा गला पट्टी हो गया एक, वैसे ही अभी हम दूसरा गला बनाएंगे। अभी दूसरा गला हमारा बनाना है, तो पीछे के हिस्से के लिए वापस हम फोल्ड करेंगे, और ये दूसरा जो है हमारा बाकी उसका हम गला पट्टी निकालेंगे फिर से। ऐसे ही वापस हमें मार्क करना है, इसको हटा देना है वापस, और वैसे ही हमें 1.5 इंच सब जगह मार्किंग करनी है। गला पट्टी ऐसे ही बनाते हैं, बहुत इजी हो जाती है काम करना गला पट्टी से, शेप अच्छा आ जाता है और फिनिशिंग भी आ जाती है। यहाँ पर सभी हम कट कर देंगे। ये देखिए नीचे की तरफ गोल और या स्क्वायर हम दोनों में ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नीचे गोल ही लो। ठीक है, ये देखिए मैंने पट्टी ये काट ली है। ओके, ये इसकी पट्टी अंदर ही रख देंगे हम, क्योंकि याद रहेगा नहीं तो यहाँ वहाँ हो जाएगी, छोटी पट्टी है। ध्यान से सब कतरन अच्छे से यूज़ करें प्लीज़, सभी जो चीज़ काट रहे हैं उसके अंदर बराबर से संभाल कर रखे कपड़ा। अभी हमें यहाँ नेफे के लिए कट करना है। नेफे के लिए हमें कमर का चौड़ाई चाहिए, कमर की, और उसके अंदर हम आधा कर देंगे उसे, और उसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे। जैसे कि हमारे पास कमर 36 है, 36 का हम आधा करेंगे, तो 36 का हम आधा करेंगे तो कितना होएगा देखिए, 36 है इसका हम आधा किया तो यहाँ पर आएगा 18 के बाद हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 19 ले लेंगे। ठीक है, और उससे थोड़ा लूज़ चाहिए तो हम 20 ले लेंगे, 19 की जगह हम 20 ले लेंगे। पर अभी जो भी कपड़ा है डबल फोल्ड में लेंगे। ठीक है, हम दो कपड़ा लेंगे, यहाँ पर चार कपड़ा नहीं लेना है, नेफे में सिर्फ दो कपड़ा ही लेना है हमें। और यहाँ पर हम 21 इंच लेंगे, हमारे यहाँ पर 21 इंच का नेफा है, तो 21 इंच लेंगे और 4 इंच की चौड़ाई लेंगे। ठीक है, 21 इंच लंबाई रहेगी और 4 इंच की चौड़ाई रहेगी। आप अपने हिसाब से कमर का नाप लेके नेफा बना सकते हैं, जितना कमर रहेगा उसका दूसरा हिस्सा करना है और उसके बाद 1 इंच ऐड करना है। अगर आपका 36 कमर है तो रेडी 18 हुआ, उसके बाद उसमें 1 इंच ऐड कर दो तो 19 हो गया। वैसे ही यहाँ पर उनकी कमर ज़्यादा है तो वो हिसाब से मैंने यहाँ पर 21 लिया है, और प्लस उसमें 1 इंच ऐड किया है सिलाई का तो 22 लिया है, और यहाँ पर 4 इंच की चौड़ाई रहेगी नेफे की। तो वहाँ पर 4 इंच की मार्किंग करके अब हम इसे कट कर देंगे। ठीक है, एक आगे का हिस्सा है एक पीछे का, वैसे ही हमें आगे और पीछे दो ही हिस्सों में कट करना है। इसमें अभी हम टक्स लेते हैं। टक्स के लिए हमें ये हमने बैक का हिस्सा लिया है, बैक के हिस्से के लिए हमें उल्टा रखना है, ये भाग उल्टा रखना है, हमें उल्टे पर टक्स लेना है। तो हम उल्टे पर टक्स लेके इसे बराबर से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद
ये जो हिस्सा आता है फोल्ड वाला हिस्सा, वहाँ से हम 4 इंच अंदर की ओर जाएगी, 4 इंच अंदर की ओर जाएगी और ऊपर की तरफ से 11 इंच हम नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, ये हमने बराबर से कपड़ा रख दिया है और अभी हमें यहाँ से 11 इंच नीचे आना है। 10.5 भी चलेगा और 11 भी चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम मार्किंग करना है और ये मार्किंग के साथ यहाँ 4 इंच की जो मार्किंग है उसे हमें मिलाना है, उसे मिलाना है। ठीक है, ये बैक वाला पार्ट है। ठीक है, बैक वाला पार्ट, यहाँ से हमें 1/2 इंच यहाँ की और मार्किंग करना है और 1/2 इंच यहाँ की मार्किंग करना है और इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है और इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है। वैसे ही हमें पीछे की तरफ भी करना, दूसरी तरफ करना है, तो हमें यहाँ बीच के हिस्से में मार्किंग कर देंगे। और ये हमारा कितना आता है वो देख लेंगे, हमारे ये 10 इंच आता है तो हम वैसे ही 4 इंच पर यहाँ पर, यहाँ हमने पॉइंट कर दिया है, वैसे ही हमें यहाँ पर 10 इंच पर एक मार्किंग करना है और मार्किंग करके यहाँ से स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट जाने के बाद यहाँ पर जैसे हमने फोर साइड पे किया वैसे ही ये साइड पे भी करना है, 1/2 इंच दोनों तरफ जाना है और उसे मार्क करना है। ये देखिए, ये दोनों हिस्सा हमारा, दोनों तरफ हमारा मार्किंग, ये दोनों टक्स हो गया हमारा पीछे का। ठीक है, अभी हम आगे का हिस्सा करते हैं। आगे के हिस्से के लिए हमें वैसे ही वापस उल्टा रखना है कपड़ा, हम उल्टे कपड़े पे ही मार्किंग करेंगे हमेशा, क्योंकि हमें उल्टे कपड़े पे ही सीना है तो हम यहीं पर मार्क करेंगे और यहाँ बीच में एक पॉइंट दे देंगे। ये फोल्ड वाले भाग से अंदर जाना है हमें, 3.5 इंच अंदर की ओर जाना है। पीछे की तरफ हम बैक में 4 इंच गए थे और वैसे ही यहाँ पर भी हमें 11 इंच की तरफ जाना है और यहाँ मार्क करना है और वहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हिस्सा जो है वो 10.5 या 11 सभी का एक ही रहता है, तो आप वही अंदाजन से 10.5 या 11 ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये दोनों का हमें आधा करना है। ये फ्रंट वाला है, फ्रंट का टक से, तो ध्यान से देखो, ये दोनों का हमें आधा करना है, यहाँ पर आधा, यहाँ से दोनों तरफ हमें 1/2 इंच मार्क करना है। ठीक है, अगर ज़्यादा आपके पास कपड़ा है तो आप 1/4 इंच भी ले सकते हैं, उसकी भी फिटिंग अच्छी आती है। हमें यहाँ से मार्क करना है और हमें यहाँ से मार्क करना है, उसके बाद हमें यहाँ से उसे ज्वाइन करना है और यहाँ से ज्वाइन करना है। ये देखिए, फिर वैसे ही हमें यहाँ पर से वापस पॉइंट ले लेना है और पीछे दूसरी तरफ हमें वैसे ही मार्क करना है और वैसे जैसे हमने यहाँ पर लिया था उसका मार्किंग चाहिए हमें, देख लिया हमने 9.5 आता है, वही हमें यहाँ पर भी करना है। ये मार्किंग से हमने किया है और हमें वापस यहाँ पर भी 10 चाहिए। ठीक है, और वैसे ही हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने लाइन ड्रॉ की है और उसी का हम आधा करेंगे दोनों पार्ट का, ये 10 है तो हम दोनों का आधा करेंगे तो दोनों तरफ 5-5 होगा और 5 की दोनों तरफ हम यहाँ पर 1/2 इंच और यहाँ पर 1/2 इंच। ये फ्रंट के टक से, ठीक है, ध्यान दिए फ्रंट के टक से, बैक के टिक्स में नीचे की तरफ ज़्यादा आता है और यहाँ पर बीच में आता है क्योंकि यहाँ पर हमारा चेस्ट रहता है तो हमें फिटिंग चेस्ट की चाहिए। यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा। दोनों टक्स फ्रंट का हो गया है। ठीक है, देख लीजिए, बीच में यहाँ पर 1/2 इंच रहेगा और बैक के अंदर यहाँ पर दोनों तरफ से 1/2 इंच रहेगा। ये हमारा घाघरा है और ये हमारा नेफा। ठीक है, और इसके बाद हमारी ये जो ब्लाउज है वो है और ये आस्तीन है और ये जो हमारा है वो नीचे पूरा बॉटम में डालने की डिज़ाइन है, तो हम वो फाइनल में पूरे में डाल देंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये घाघरा और ब्लाउज़ और इसकी कटिंग समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ बहुत बहुत लाइक करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें।
ठीक है। और जिसको ऑफलाइन क्लास करना है, ऑनलाइन क्लास करना है, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मेरा इंस्टा पेज भी आप फॉलो करें, मेरा इंस्टा पेज भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ बहुत व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ तो देख लेती हूँ, बहुत आते हैं व्यूज़, पर सब्सक्राइब बहुत कम है। सब्सक्राइब बढ़ाना है मुझे, बस यही मुझे है, 1000 सब्सक्राइबर करना ही है मुझे कैसे भी। तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइबर के लिए बहुत हेल्प करें, मेरी सब्सक्राइबर बढ़ जाएगी, मेरी व्यूज़ भी बढ़ जाएगी, और मैं आगे जितना बढ़ूँगी वो आपकी दुआओं से बढ़ूँगी, और मुझे और अच्छा लगेगा, मैं एक से और अच्छी इससे अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ और आपको अच्छे से सिखा दूँ सब, ठीक है। बाय। हेलो फ्रेंड्स, अम्मतुल्ला रीडा हाउस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरी सभी वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।